नमस्कार दोस्तों, मैं अमित पांडे आज आप लोगों के लिए एक नई अपडेट लाया हूँ जो कि CITS के लिए है। तो आते हैं अपने पॉइंट पे। ITI में अनुदेशक पद पर भर्ती के लिए CITS की अर्हता अनिवार्य। अभी तक जो ITI में जो टीचर होते थे, इंस्ट्रक्टर होते थे, वो जो है चाहे ITI पास हो या पॉलिटेक्निक पास हो या BTEC पास हो, वो डायरेक्ट जो है मेरिट बेस पे उनकी भर्ती हो जाती थी, मेरिट और इंटरव्यू था। बट अब ऐसा नहीं है। अब इसके लिए कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है कि बिना CITS वालों को मतलब ITI में भर्ती नहीं किया जाएगा। जो CITS पास है केवल वही ITI का इंस्ट्रक्टर अनुदेशक बन सकता है, फोरमैन बन सकता है। ठीक है, तो आते हैं अपडेट पे। ITI में प्रशिक्षण अनुदेशक के पदों पर भर्ती के लिए अब CITS क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम की अर्हता अनिवार्य होगी। यही नहीं, चयन में शैक्षिक अर्हता के प्राप्तांकों के स्थान पर लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों को अधिक महत्व दिया जाएगा। इसका कहने का मतलब है, अभी तक जो आपका ITI मेरिट बेस पर होता था इंस्ट्रक्टर की भर्ती, अब उसमें रिटन एग्ज़ाम होगा। जैसे सभी वनडे एग्ज़ाम होता है, वैसे अब ITI इंस्ट्रक्टर के लिए भी, अनुदेशक के लिए, फोरमैन के लिए, इन सब के लिए जो है आपका रिटन एग्ज़ाम होगा। उसके बाद उसकी मेरिट बनेगी, फिर जो मेरिट में नाम आएगा उसका चयन हो जाएगा, अंतिम चयन वही मान्य होगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सेवा नियमावली 2021 को कैबिनेट की मंजूरी दे दी है। मतलब ये जो है कैबिनेट ने इसको मंजूर कर दिया कि भाई अब केवल CITS वाले ही इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, पूर्व में अनुदेशक के चयन में शैक्षिक अर्हता के तहत ITI डिप्लोमा के प्राप्तांकों के तरजीह दी जाती थी, जो कि अब नहीं मिलेगी। मात्र CITS जिसकी परीक्षा व मूल्यांकन भारत सरकार के अधीन किया जाता है। ये जो CITS है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो है प्रशिक्षण देती है, और फिर इसके बाद आपके स्टेट गवर्नमेंट में जो है जो ITI का वैकेंसी निकलता है, इसमें आप लोग इंस्ट्रक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो जो CITS है सेंट्रल गवर्नमेंट कराता है, और ITI जो है स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, CITS 1 ईयर का कोर्स होता है, जिसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। तो नई नियमावली भारत सरकार के निर्देशानुसार बनाई गई है। इसे वित्त कार्मिक न्याय से अनुमोदन के बाद कैबिनेट ने मंजूरी दी है। ठीक है, फाइनली ये हो चुका है, अब CITS अनिवार्य। अब आप लोग बेफिक्र हो जाइए। इसके तहत अनुदेशक व फोरमैन अनुदेशक के 7वें वेतन आयोग द्वारा अनुमान्य वेतन का समावेश भी किया गया है। ठीक है, और आगे की खबर आपके लिए कोई इतना ज़रूरी नहीं है, जो कि मेन खबर ये थी, मैंने इतना आपको पढ़ के बता दिया है। और CITS के बारे में A to Z इंफॉर्मेशन क्या होता है, कहाँ से होता है, कैसे होता है, मैंने वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको जो है दे दूँगा, आप उसमें देख सकते हैं।